पहले मैं काफ़ी रैंप वर्क वगैरह किया करती थी टाइम्स में, बट नाउ आई एम रोहित वर्मा, फैशन डिज़ाइनर, और मैं उनके ही उसमें शो में आई हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से हमें इनवाइट कर रखा था, और डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर हम शो में काम करेंगे। उनका जो अभी पैटर्न है वो बहुत ही अलग है, यूनिक है, और मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा पैटर्न अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को देखूंगी और फैशन में इस्तेमाल करूंगी। एक सेकंड, गर्मी के लिए आप लोगों को निकलना तो पड़ेगा ही, बाहर तो ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते, बट डेफिनेटली अच्छा खाना खाइए और पानी ज़रूर पीते रहिए, और देखिए कि हाँ थोड़ा सा अवॉइड करें बाहर जाना आफ्टर डे खास, और थैंक यू। हाय हाय, प्लीज बताइए आज आप कॉमेडी फैशन वीक में आए हैं, तो हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है, आप कौन से शो को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं? यहाँ पे बहुत सारा ग्लिट और ग्लैमर है, व्हाट हैपेंड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यस बता, हेलो हेलो, ओके, रोल रोल, प्लीज चल गए वैसे, इट्स अ वेरी स्पेशल इवनिंग टुडे, अ लॉट ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैमर अराउंड, aren't we looking beautiful? We are looking beautiful and the vibe is also looking beautiful. And we're really excited today for Rohit Verma's show. The concept is Indradhanush. Yes, and we are here to support him because he's coming up with a beautiful name, yeah. Indradhanush, which is going to be very vibrant in that. So we are waiting for the show to open up. Mere liye isliye special hai Indradhanush because here comes designs which is meant for everyone. And it puts everybody on the same platform. Equality, we're talking about gender equality here. And this vibe of spreading love, you know, to all the genders, you know, it includes everybody. That makes this evening more special. That everybody is included in Indradhanush. Usually when the Indradhanush forms, so वो ये नहीं देखता कि दिन है या रात है. यूजली जब वो मिस्ट बनती है, वो जब इंद्रधनुष बनता है ना, तो हर एक की नज़र वहाँ रहती है, तो आज मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबकी नज़र से इंद्रधनुष पे होगी, हमारा सात रंग इंद्रधनुष के, सो या वी वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द शो, रोहित वर्मा, थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग बिकॉज़ नाउ लेटर ऑन दे डोंट इवन हैव इट, सुष्मिता सेन एंड ऑल बीइंग हियर, सेंटर में देखिए, प्लीज बताइए आज
वेल, मैं तो हर साल आती हूँ, हर शो में आती हूँ, पर रोहित वर्मा ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई लव हिज क्रिएशन. और आज का थीम है इंद्रधनुष, सो आई एम एक्साइटेड. आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी इट. मैं पहली बार आया हूँ जस्ट टू सी रोहित वर्मास कलेक्शन. एंड जैसे इंद्रधनुष है, मैं ज़्यादा कलरफुल नहीं होके आ पाया हूँ, लेकिन आई थिंक बड़ी अच्छा एक दो कलर मैंने चुन लिया है यार. सो आई एम श्योर जो कलेक्शन होने वाली है वो और भी रंग बिरंगी और भी इंद्रधनुष जैसी होने वाली है. एंड वी आर डेफिनेटली गोना हैव अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग दिम. थैंक यू. थैंक यू. शिल्पा शेट्टी इज द शो. सुष्मिता सेन. ऑलराइट. आज आप किसके लिए आए हैं? आज हमने रोहित वर्मा का शो देखा एंड वी वर हियर फॉर हिम टू चीयर हिम अप. एंड ऑब्वियसली एज रोहित पर्सनैलिटी इज, ही इज वेरी कलरफुल एंड दैट्स हाउ हिज कलेक्शन इज एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. Oh, she, you want to add something? No, it was a fab experience. Loved the collection. It was really nice being here. Thank you so much. In fact, she wore this dress because Rohit adds a lot of color to his clothes and everything. Yeah, so she like, it's for, for Rohit basically. Thank you. Very dear friend Rohit Verma, and this time his collection is Indradhanush, a very unique concept, and I think this is such a brave attempt of his to get this collection, and I am, you know, I can't tell you how proud I feel for him. And jo collection hai wo bahut behtareen hai, bahut hi khoobsurat hai. So I just want to wish him all the very best, and I just want that there should be a lot of love and without any gender or, you know, any discrimination between genders. Love is just love. यहाँ पे अलग अलग रंग, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनालिटीज़, जेंडर के लोग मिलेंगे. सो मैं सभी के साथ में कनेक्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम हेयर ऑन अर्थ टू बी अ पर्पस एंड दैट इज़ टू बी सर्विस ऑफ इच अदर. एंड बस आई एम डूइंग माई जॉब. Actually, you asked me about fashion. Yeah, fashion. What is your fashion statement? My fashion is, I'm a naked soul. I don't have any fashion. I don't follow fashion. I just do what I feel like doing, and I do things from heart, and I listen to my heart, and that's it. Rainbow. Right.
I just go and